भोपाल में सबसे बड़े पानी का स्रोत माने जाने वाले राजा भोजपाल ताल में बड़ी मात्रा में सीवेज का पानी छोड़े जाने का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरह मैला गंदा पानी तालाब में छोड़ा जा रहा है। प्रशासन की लापरवाही और मानव स्वार्थ के चलते बड़ा तालाब अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। देखें ये रिपोर्ट। एक तरफ तो हम पानी बचाने, साफ रखने और जीव संरक्षण की बात करते हैं, वहीं तालाब में मिल रहे इस सीवेज के पानी ने कथनी और करनी के अंतर को सबके सामने ला दिया है। नगर निगम और प्रशासन के दावों की पोल खोलता यह वीडियो सिस्टम पर कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या इस तरह तालाब में गंदा पानी छोड़े जाने पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? तालाब में बढ़ रही गंदगी से पानी में रहने वाले जीव जंतुओं को तो नुकसान होगा ही, साथ ही इस पानी को पीने से कई बीमारियां और तालाब की खूबसूरती पर भी अच्छा खासा असर पड़ेगा। जिस राजा भोज की मूर्ति तालाब को खूबसूरत बनाती है, वहीं इस खूबसूरती पर दाग लगाने का कार्य सीवेज के पानी से किया जा रहा है। तालाब के किनारे की पहाड़ियों को काटकर बिना रोक टोक बनाए जा रहे रेस्टोरेंट होटल की गंदगी को ना तो नगर निगम देख पा रहा है ना ही प्रशासन। प्रशासन लाख दावे करे कि बड़े तालाब में गंदा पानी नहीं जाने दिया जाता, लेकिन यह वीडियो सारा सच खुद बयां कर रहा है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।